नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज खास मुलाकात में हमारे साथ खास मेहमान हैं, बीजेपी के सदन में नेता नारायण चंदेल जी। नारायण चंदेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं, चूंकि तीन ही सेशन हुए और फिर विधानसभा की तैयारी, तो नेता प्रतिपक्ष की जो जिम्मेदारी होती है वो सदन में ज्यादा होती है, लेकिन आपके लिए जो चुनौती है वो ये है कि सदन में जितनी जिम्मेदारी है उतनी ही जिम्मेदारी सड़क पर है, पार्टी के अंदर है, क्योंकि विधायकों की टिकटें होनी है, बीजेपी की रणनीति बननी है, तमाम चीजें हैं, तमाम चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों के मद्देनजर तीन महीने के बाद इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन के लिए इलेक्शन मोड में काम करते हुए आप अपने आप को और पार्टी को कितना तैयार कर पाए? चुनाव का समय, तो चुनाव के समय में जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसमें हमको और ज्यादा समय लगाने की आवश्यकता पड़ती है, ताकत लगाने की आवश्यकता पड़ती है सामान्य रूप से। तो इसलिए सदन तो बहुत सीमित दिनों को चला। जब से भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं सदन की बैठकें कम हो रही है, जो सामान्य रूप से प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में उचित नहीं है। जब आपकी पार्टी सत्ता में थी तो यही आरोप कांग्रेस लगाती थी, तब भी सदन की जो कार्रवाई होती थी चार दिन पांच दिन हुआ करती थी। नहीं, 15 साल में जो अभी 5 साल सदन चला उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकारें में विधानसभा ज्यादा बैठती थी। ये कहा जाता है कि बीजेपी में बैठकें खूब होती हैं, मैदान पर जो एक्टिवनेस दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती है। राष्ट्रीय नेता आते हैं तो उस वक्त बीजेपी दिखती है, फिर उसके बाद बीजेपी गायब। जो प्रोग्राम जमीन पे होने थे उतने प्रोग्राम हुए नहीं। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपसे पहले जो कार्यकाल था उसमें तो बीजेपी बिल्कुल गायब ही थी सड़क से। देश की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके काम करने के तरीकों में और भारतीय जनता पार्टी के काम करने की पद्धति में मूलभूत अंतर है। हम किसी काम को करने के पहले उसके बारे में एक बार नहीं अनेक बार बैठते हैं, बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, उसके हर परिस्थितियों पर बारीकी से अध्ययन करते हैं, इसलिए बैठक ज्यादा होती है। पहले हम छोटी बैठक करते हैं, उसके बाद थोड़ी बैठक, बड़ी बैठक करते हैं, फिर और बड़ी बैठक करते हैं। हमारा जो भी कार्यक्रम है वो कार्यकर्ताओं के चर्चा से निकल करके आता है। भारतीय जनता पार्टी में जो हमारी कार्य पद्धति वो सामूहिक नेतृत्व की है। नेता तो हैं लेकिन वो नेता भी चर्चा करता है, ये मूलभूत अंतर है। दूसरी बात, देश की नहीं दुनिया की ऐसी पार्टी है जो प्रतिदिन काम करती है। अन्य राजनीतिक दल को आपने देखा होगा, चुनाव 6 महीना पहले उनके काम शुरू होते हैं, साल भर पहले उनके सम्मेलन शुरू होते हैं, लेकिन हमारा डे टू डे प्रतिदिन ये हमारे कार्य पद्धति का हिस्सा है। तो आप अलग राजनीतिक दलों से भिन्न हैं, तो अभी जो सबसे बड़ा मसला है वो मसला ये है कि चेहरे को लेकर के चर्चाएं लगातार चल रही है। दीपक बैज साहब कहते हैं कि 15 साल तक इन लोगों ने राज किया और आज इनके पास एक चेहरा नहीं है जिसको आगे रख करके चुनाव लड़ सके। देखिए ऐसा है, दीपक बैज जी को तो बने बने अभी कुछ चंद दिन ही हुए हैं जी। मैं दीपक बैज जी को स्मरण कराना चाहता हूं, 2018 का विधानसभा का चुनाव, क्या भूपेश बघेल जी को उन्होंने चेहरा बनाया था? क्या मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव लड़े थे? उसके पहले 2003 जब जोगी जी मुख्यमंत्री थे कांग्रेस की ओर से, 2003 में मैं उस समय भी विधायक था। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी कोई चेहरा सामने नहीं रखा था, 2003 में भी, उस समय अटल जी आडवाणी जी थे। इस चुनाव में हमको बहुमत मिलेगा, हमको चंद मिनट लगते हैं फैसला करने में कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन जाएगा, जिसको पार्टी तय करेगी, जिसको विधायक दल तय करेगा। आपकी पार्टी जीती तो नारायण चंदेल जी बन सकते हैं? ये तो पार्टी तय करती है।
अभी तो आप कह रहे हैं ना कि कार्यकर्ता तय करते हैं। नहीं नहीं, कार्यकर्ता नहीं, विधायक दल कार्यकर्ता भी बन सकते हैं। हाँ, बन सकते हैं। रमन सिंह जी भी कार्यकर्ता थे, तो इतने सीनियर लीडर आप भी बन सकते हैं। देखिए, ऐसा है, पार्टी जो भी दायित्व देती है उसका निर्वाह करना चाहिए। तो आपके समर्थक की उम्मीद करके चलें कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो आप मुख्यमंत्री हैं। हमारे यहाँ व्यक्ति के समर्थक नहीं होते हैं, यहाँ तो आपके समर्थक बहुत सारे हैं। हमारे यहाँ नहीं, वो सब पार्टी के। नंद कुमार साई जी कुछ महीने पहले पार्टी छोड़ के गए, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके साथ नहीं गया। यही तो भारतीय जनता पार्टी, एक नई जोड़ी आ गई है। अब तक बड़ा कश्मकश मचा रहता था, आपको माना जाता है कि आप ब्रजमोहन, शिवरतन शर्मा, अजय चंद्राकर एक खेमे के हैं, दूसरा खेमा डॉक्टर रमन सिंह का है। अब आप एक के विधायकों के नेता हैं, दूसरे पार्टी के नेता हो गए अरुण साव, तो एक नए किस्म का इक्वेशन सामने आ रहा है। लेकिन इस नए किस्म के इक्वेशन में जो कांग्रेस आरोप लगा रही है वो ये लगा रही है कि दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, तालमेल की कमी है, दोनों एक साथ कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, दोनों अलग अलग तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस के मित्रों को हमारी सलाह है कि वे खुद ही कांच के घर में पहले अपना घर संभाल लें। भूपेश बघेल जी को भरोसे का सम्मेलन करने की क्या आवश्यकता है? क्या भरोसा लोगों का उठ गया है उनके ऊपर से? मुझे जो जानकारी है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कांग्रेस के विधायकों को ऊपर से भरोसा उठ गया है, विधायकों का कांग्रेस के मंत्रियों से भरोसा उठ गया है, और मंत्रियों का और कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री के ऊपर से भरोसा उठ गया है, और जनता का कांग्रेस के ऊपर से भरोसा उठ गया है। इसलिए जगह जगह भरोसे का सम्मेलन कर रहे हैं। रही बात हमारी, पार्टी ने हम दोनों को नियुक्त किया है। अरुण साव जी भी संगठन के पुराने कार्यकर्ता हैं, मेरे साथ युवा मोर्चे में काम किए हैं, हम दोनों मिलकर के काम करते हैं। मैंने आपको कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है। हम बैठते हैं, बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, फिर निर्णय तक पहुंचते हैं। अच्छा, एक चीज और कि विधायकों को लेकर के चर्चा है। अब नेता प्रतिपक्ष जब कोई होता है या फिर सदन का जो नेता होता है, जो सत्ता में मुख्यमंत्री होता है, तो विधायकों की उम्मीद होती है कि उनकी टिकटें कम से कम ठीक रहे। उन्होंने विधानसभा में चूंकि परफॉर्मेंस किया होता है, सारी स्ट्रेटजीज जो नेता होता है उसके मातहत सारी स्ट्रेटजीज बनती हैं, परफॉर्मेंस भी उसके मातहत होती है, सब ये उम्मीद कर रहे होंगे। लेकिन चर्चा ये है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सभी विधायकों को टिकट काट दे, हो सकता है कि बड़े बड़े नेताओं के नाम कट जाए, और भारतीय जनता पार्टी में आश्चर्य नहीं है ऐसा अगर हो जाए तो, क्योंकि हमने लोकसभा के चुनाव में ऐसा देखा है। तो अभी के सिनेरियो में, अभी की परिस्थिति में, आप कोई ऐसा स्टेटमेंट देने की स्थिति में है कि विधायक कितने सेफ हैं, कितने अनसेफ हैं, क्या होने वाला है, या सब कुछ आलाकमान तय करेगा? विधायकों के बारे में जानकारी लेने के हमारे पास एक नहीं अनेक सोर्स हैं, और पार्टी जो हमारा नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनके पास भी अनेक सोर्स हैं, अनेक प्रकार से वो जानकारी एकत्रित करते रहते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अभी से कुछ भी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी कि विधानसभा चुनाव में कौन उम्मीदवार होगा, कौन नहीं होगा। पार्टी काफी सोच करके, विचार करके, हर पहलुओं पर चर्चा करके निर्णय तक पहुंचती है। दो बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह, दो बार आए, दो बार मुलाकातें की। मुलाकात से पहले आपने खुद बोला कि क्या इशू है, क्या कुछ है, मुझको जानकारी नहीं है, और ये सभी नेताओं की स्थिति होगी जो उस बैठक में रहे होंगे। उन चर्चाओं में क्या जो आपसे फीडबैक मिलता है उस पर चर्चा होती है, या उनके अपने इंफॉर्मेशन होती हैं जिसके आधार पर वो आपसे डिस्कशन करते हैं? देखिए, ऐसा है, समसामयिक विषयों पर चर्चा होती है। अब समसामयिक विषयों का आधार ये है कि जो वर्तमान परिस्थिति है, सामने आसन्न चुनाव है, चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा होती है। अमित भाई बहुत अनुभवी नेता हैं,
उन्होंने अनेक प्रदेशों में चुनाव का संचालन किया, चुनाव का नेतृत्व किया, और जिन प्रदेशों में, देश के अनेक हिस्सों में जहां चुनाव का संचालन किया, परिणाम आया, तो इसलिए उनके पास लंबा अनुभव है। वो अनेक परिस्थितियों से निकल करके आए हैं, इसलिए वो अपना अनुभव भी साझा करते हैं बैठक में, हमसे भी सुझाव लेते हैं यहां की परिस्थितियों के बारे में। सर्वे वगैरह पे भी चर्चा होती है? सर्वे तो देखिए, सर्वे तो हर राजनीतिक पार्टी कराती है। मीडिया में जो रिपोर्ट्स आई उसके मुताबिक बीजेपी अपने सर्वे में नहीं जीत रही है। अब देखिए, मीडिया का अलग नजरिया हो सकता है, बीजेपी का क्या नजरिया है? बीजेपी की सरकार बन रही है, बीजेपी आज स्पष्ट बहुमत के साथ बन रही है। खड़गे साहब ने आप ही के शहर में ये बोला कि कांग्रेस इस बार बीजेपी को 2-4 सीटें मिल जाएं तो वो भी बहुत है, बीजेपी के लोग ये मान रहे हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है, इस पर मैं रिएक्शन चाहूंगा। खड़गे जी को यहां पर आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पिछले चुनाव में कांग्रेस की इस जिले में क्या गति रही? हमारा अविभाजित जिला था। नहीं, लेकिन आपके नेता भी आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, हाँ। वो तो सब राजनीतिक पार्टियों के नेशनल लीडर आते हैं। नहीं, बताया मैं, हाँ। वो इसलिए आए थे कि पिछले चुनाव में कांग्रेस की स्थिति यहां ठीक नहीं थी। 2-2 सीट मिली थी, 2 बसपा, 2 भाजपा और 2 कांग्रेस। अब वो कहते हैं कि किसान के मुद्दे पर हमने चुनाव लड़ा, तो सबसे बड़ा कृषि प्रधान जिला तो यही है, सबसे ज्यादा सिंचाई का रकबा तो यही है, 82% से ज्यादा सिंचाई का रकबा इस जिले में है, तो कांग्रेस यहां क्लीन स्वीप क्यों नहीं की? ये जमीन तलाश में आए थे। अच्छा, एक चीज और कि अब तो इलेक्शन सिर पे है, इलेक्शन में सिर्फ एक, चूंकि विपक्ष पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो जाहिर तौर पे सत्ता की जो खामियां हैं उसको गिना करके जाएगी, जो सत्ता पक्ष है अपनी उपलब्धियों के साथ मैदान में जाएगी, लेकिन इससे इतर छत्तीसगढ़ का जो नौजवान है, छत्तीसगढ़ का जो जागरूक मतदाता है, वो ये भी देखना चाहता है कि छत्तीसगढ़ को लेकर के आपका विजन क्या है, आप क्या क्या प्रॉमिसेस करने जा रहे हैं, आप क्या क्या करने जा रहे हैं। तो बीजेपी ने तय किया है कि क्या कुछ, जैसे आपकी घोषणा पत्र कमेटी बनी है वो अलग चीज है, लेकिन जैसे आपने कहा कि हर बिंदु पर बहुत चर्चा होती है भारतीय जनता पार्टी में, तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं या विकास के वो कौन कौन से एजेंडे हैं जिनके जरिए भारतीय जनता पार्टी पब्लिक को आने वाले समय का विजन दिखाएगी? देखिए, ऐसा है, इस छत्तीसगढ़ के राज्य का निर्माण ही भारतीय जनता पार्टी ने किया है। स्वप्न बहुत लोग देखे, स्वप्न दृष्टा हमारे अनेक नेता थे, बहुत बुजुर्ग थे, लेकिन इसको अमली जामा अगर किसी ने पहनाया है, तस्तरी में सजा करके छत्तीसगढ़ राज्य को अगर किसी ने दिया है, तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री, हम सब के नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है। इसलिए छत्तीसगढ़ को बनाया हम लोगों ने है और छत्तीसगढ़ को गढ़ेंगे भी हम लोग। आज जो जितना भी छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं, जो बुनियादी चीजें हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, स्कूल है, अस्पताल है, सिंचाई के साधन हैं, एनीकट है, ये 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। पूरे 5 साल भूपेश बघेल सरकार का फोकस किसान रहा है, 12 लाख किसान से बढ़ करके 26 लाख किसान रजिस्टर्ड हैं जो कि धान बेचते हैं। जाहिर तौर पे जांजगीर चांपा जिले के भी उसमें किसान होंगे, महासमुंद के भी होंगे। मेरा सवाल ये है कि 2018 में कांग्रेस का एक वादा था, 2023 में कांग्रेस इस बात को लेकर के जाने वाली है या जा रही है कि उस वादे को हमने पूरा किया। अगर सारे वादे पूरे नहीं किए, कम से कम 2500 रुपए देने उसके वादे को पूरा किया, इसका क्या काउंटर है? दूसरी चीज ये कि क्या आप, जैसे आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो जो वो 9000 रुपए हर एकड़ पे इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना के, उसको आप कंटिन्यू करेंगे या फिर उसको विड्रॉ करेंगे, उसकी जगह दूसरी स्कीम लाएंगे, क्या है? देखिए, ऐसा है, भूपेश बघेल जी ने और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने हम सब लोगों के मन में और किसानों के मन में भ्रम पैदा किया। भ्रम क्या है?
आप भी बोल रहे हैं 2500 रुपया दे रही है, 2183 रुपया भारत सरकार के सपोर्ट प्राइस है। कांग्रेस तो कहती है कि हम चावल खरीदते हैं, हम चावल बेचते हैं, बता रहा हूं। यही तो भ्रम है। जब हमको और आपको भ्रम है तो किसानों को कैसे नहीं रहेगा। 2183 रुपया सपोर्ट प्राइस भारत सरकार ने घोषित किया अभी नया, 2203 रुपया पतला धान का सपोर्ट प्राइस घोषित किया, ठीक। इससे ऊपर का पैसा जो बचता है वो भूपेश बघेल देता है, वो तो बोनस दे रहा है, लेकिन उन्होंने प्रचारित यह किया पूरे देश के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर कि 2500 रुपये में हम धान खरीद रहे हैं। आप कहां धान खरीद रहे हो 2500 रुपये में? 2500 रुपये आप अलग से दो किसानों को। हमने विधानसभा में कहा था कि 2500 रुपये आप अलग से दोगे क्या सपोर्ट प्राइस के अतिरिक्त? अब रही बात धान खरीदी की, भारत सरकार चावल खरीदती है तो धान से ही तो चावल बनता है ना, कि कोई नई प्रजाति इन्होंने निजात की है। इन्होंने कहा हम किसान का, हर किसान का कर्जा माफ करेंगे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं भूपेश जी से, क्या छत्तीसगढ़ प्रदेश के राष्ट्रीयकृत बैंकों में जिन किसानों ने कर्जा लिया था उनके कर्जे माफ आज तक नहीं हुए? जिन्होंने प्राइवेट बैंकों से कर्जा लिया था उन किसानों के कर्जे आज तक माफ नहीं हुए? दूसरी बात, आपने 2021-22 में जब धान खरीदी के ठीक दो महीना पहले किसानों की जमीन नाप दी गिरदावरी में, इसको भी हमने सदन में उठाया था। छत्तीसगढ़ का भूमि पुत्र और अन्नदाता किसान, जो छोटा किसान है, मंझोला किसान है, सीमांत किसान है, जिसके पास 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.25 एकड़ जमीन है, वो गरीब है, उस किसान को इसका बोनस का फायदा मिलता है क्या? 80% किसान की आबादी छोटे किसान की है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 80% किसानों को मात्र 20% लाभ मिला और 20% किसानों को 80% लाभ मिला। आज तक जिनकी जमीन नापी गई है उन किसानों का धान इस सरकार ने नहीं लिया है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आप किसान की बात करते हो, छत्तीसगढ़ की बात करते हो, छत्तीसगढ़िया की बात करते हो, 3 राज्यसभा के सदस्य जब भेजने की बात आई तो एक छत्तीसगढ़ का बेटा आपको नहीं मिला, एक छत्तीसगढ़ की बेटी नहीं मिली छत्तीसगढ़िया, आप तीनों बाहरी लोगों को भेज दिए और बोलते हो कि मैं छत्तीसगढ़ का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं। एक किसान के बेटे में क्या ये कुवत नहीं है यहां कि वो राज्यसभा में जा सके? आप बाहर के लोगों को राज्यसभा का सदस्य बनाओगे और हमको बोलोगे कि बासी खाओ, गेड़ी चढ़ो, भंवरा खेलो, सोटा खाओ। तो छत्तीसगढ़ का बेटा इसीलिए राज्यसभा के सेंट्रल हॉल में वो बैठेंगे। ये छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री का असली चेहरा है। इसमें मेरा सवाल जो था वो यही है कि चलिए आरोप प्रत्यारोप के बीच में ये तो फैक्ट है ना कि 9000 रुपए वो इनपुट सब्सिडी के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को दे रही है। कितने किसानों को दे रही है, कितने नहीं किसानों को दे रही है, वास्तविक लाभ कितने किसानों को मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो अलग चीज है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि रजिस्टर्ड हैं उन किसानों को अगर 9000 रुपए सब्सिडी मिल रही है या इनपुट सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है, तो बड़ा मन जनता का ये जानने का है कि आपकी सरकार आएगी तो उसको जारी रखेगी या उसको हटाएगी? भारत की सरकार 6000 रुपए इस देश के किसानों को दे रही है, लेकिन वही सरकार ये भी लिखती है कि बोनस देने पे हम आपके धान नहीं खरीदेंगे, 2 साल धान नीलाम हुआ। नहीं, लिखा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। जब ये आप इसकी बात कर रहे हैं कि 9000 दे रही है, तो भारत की सरकार पूरे देश में दे रही है, वो सिर्फ एक प्रदेश में नहीं दे रही। ये 9000 रुपए जो इनपुट सब्सिडी, 6000 रुपए, 2000 रुपए अभी 14वीं किस्त मोदी जी ने डाला है, सबके खाते में पहुंच जाता है 2000 रुपए। तो आपको लग रहा है कि वो काफी है? नहीं, काफी और कम की बात थोड़ी है। हमारे चुनाव को घोषणा पत्र आने दीजिए, उसका इंतजार करिए। मोटे तौर पे इस पे सहमति है या नहीं? देखिए, किसान को हम समृद्ध करेंगे, आदरणीय मोदी जी की भी ये कल्पना है कि हम किसान के आय को दुगुना करेंगे, हम सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे, हम किसानों को समृद्ध करेंगे। चलिए ठीक है, इस सवाल को छोड़ते हैं, दूसरा सवाल पे पहुंचते हैं। जो उनकी बड़ी स्कीम है वो है गोबर खरीदने की। चूंकि मैं ये सवाल आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूं कि गौठानों को लेकर के लगातार सवाल आपने उठाए हैं, तो गोबर खरीदी जिसको आरएसएस के कई लीडर्स ने अप्रिसिएट किया है, उस स्कीम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या प्रॉमिस है?
देखिए ऐसा है, प्रॉमिस तो हम घोषणा पत्र में करेंगे, लेकिन आपने गोबर की चर्चा कर दी। अभी इसी विधानसभा सत्र में मेरा ही तो प्रश्न था गौठान को लेकर, मैं आपके साथ गौठान में जाने को तैयार हूं, और उस गौठान में जाने को तैयार हूं जिसको आदर्श गौठान लिखता है। मैं अभी अमोरा गया था, 3 साल पहले मुख्यमंत्री जी आए थे मेरे ही क्षेत्र में, अमोरा के गौठान में आदर्श गौठान लिखा है, वहां बोर्ड टंगा है। उस गौठान में गौठान अच्छा, ये मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि गौठान बनाए किसके लिए, आदमी को रखने के लिए कि गाय के रखने के लिए? जब गौ माताओं को रखने के लिए आपने गौठान का निर्माण किया, किसी भी गौठान में किसी भी समय चले जाइए, दिन को या रात को, एक गौ माताएं आपको गौठान में नहीं मिलेंगी। एक बात, पूरा गौठान वीरान है, गौ माताओं के लिए वहां चारे की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, छाए की व्यवस्था नहीं है, वो बीमार हो गई तो इलाज की व्यवस्था नहीं है, गौठान का उचित क्या? दूसरी बात, आपने कहा गोबर की बात, आप कहते हो कि 2 रुपए किलो में हम गोबर खरीदते हैं और 10 रुपए किलो में वर्मी कंपोज खाद को लेने के लिए आप किसान को बाध्य करते हैं। आप वर्मी कंपोज खाद को देख लीजिए, कभी भी किसी भी गौठान में जाकर, उसमें सिर्फ मिट्टी है, कंकड़ है, गिट्टी है और कुछ 8-10 गोबर के टुकड़े हैं, वो अमानक है, उसमें किसी प्रकार की उर्वरा शक्ति नहीं। ये बताइए, किसानों के साथ में इतना बड़ा धोखा कौन कर रहा है? भूपेश की सरकार कर रही है और बाध्य किया जा रहा है किसानों को, आपको लेना पड़ेगा। तो ऐसी सरकार क्या किसान के हित में है? तीसरी बात, अभी विधानसभा में 229 करोड़ रुपए का गोबर का कोई हिसाब नहीं मिला। मालूम, हमने पूछा था कि या तो गोबर बता दो 229 करोड़ का, या गोबर के पैसे का 229 करोड़ का हिसाब बता दो, किसके पास रखा हुआ है। तो इस गोबर में घोटाला हो गया 229 करोड़ का, जैसे बिहार में लालू ने चारा घोटाला किया था, वैसी इस भूपेश सरकार ने, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने 229 करोड़ रुपए का गोबर घोटाला कर दिया। हमने यह भी पूछा था कि अगर पैसे का हिसाब नहीं बताते तो गोबर कौन से कोल्ड स्टोरेज में रखे हो छत्तीसगढ़ के, वो बता दो। तो वह भी प्रश्न अनुत्तरित था। कांग्रेस कह रही है कि 75, कोई कह रहा है 80, कोई कह रहा है 71, बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी कुछ कह ही नहीं रही है। बीजेपी कह रही, कहिए, स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। यह स्पष्ट बहुमत 49 भी होता है, 48 भी होता है, 45 भी होता है। देखिए, वो तो कोई आंकड़े कोई पंडित नहीं बता सकता, स्पष्ट बहुमत जो सरकार बनने लायक बहुमत। आपका क्या अनुमान है? सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी का, कमल खिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे नारायण चंदेल जी, सीनियर विधायक हैं, कई बार के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी ने सदन में इनको अपना नेता बनाया हुआ है। तमाम मुद्दों पर इन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।